नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। आप सभी से टीवी 20 न्यूज यह उम्मीद करता है कि रंगों का त्यौहार होली आपसी भाईचारे के साथ मनाएंगे। अब एक नजर खबरों की तरफ। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में तमसा नदी से लगे गांवों में पर्यावरण सुरक्षा की सर्वेक्षण समिति बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने तमसा नदी के किनारे लगे गांवों में पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आवास विकास प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिए कि नदी के किनारे जो गाँव है उसमें जो भी विकास प्राधिकरण की जमीनें हैं उनको चिन्हित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने एसटीएम सदर को निर्देश दिए कि संबंधित तहसील क्षेत्रों में जितने भी ग्राम हैं उसमें स्थित जल स्रोतों का चयन करें। जिलाधिकारी ने बताया कि तमसा नदी के किनारे जो ग्राम है उसमें पर्यावरण की जागरूकता के लिए एक सप्ताह का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि ग्रामों में किन किन चीजों की जरूरत है। उसके लिए डीपीआर बनाने के लिए डीएफओ को निर्देश दिए। पर्यावरण जागरूकता के लिए ग्रामों में पदयात्रा रैलियां कराई जाएंगी और प्रत्येक ग्रामों में पर्यावरण संवर्धन एवं सुरक्षा हित कमेटी बनाई जाएगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, डीएफओ अयोध्या प्रसाद, एसटीएम सदर राजेंद्र सिंह, तमसा परिवार के सदस्यगण एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित गणमान्य एवं प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे।